गाइस मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। पूजा भट्ट फिर से मनीषा के सामने फुकरा इंसान के लिए ग्रजेस निकालती हुई नजर आई, जहां पर उसी की दोस्त के मुंह से अनफेयर शब्द भी जो है फुकरा इंसान के लिए निकालती हुई नजर आई। अभी जहां पर कल नॉमिनेशन हुआ और वहां पर जो है नॉमिनेट हो गई मनीषा और फुकरा इंसान ने सब चीज़ें जो है सॉर्ट कर ली। इसी बीच में कल से अब तक जो है मनीषा यही बात कहती हुई नज़र आ रही है कि भाई जो बेबिका का जो सीन था वो बेबिका के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो अनफेयर हुआ है, ये बात मैं मानती हूँ। तो ये तब भी बोल रही थी और अब भी जो है पूजा भट्ट के सामने बोलती हुई नजर आई, जहां पर पूजा भट्ट फिर दोबारा से बेबिका की बहुत ज्यादा तरफदारी करती हुई नजर आई कि वो ऐसी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा दम है और वो मतलब कि सब चीजें करती है, मुंह पे बोलती है, पर वापस आके फिर वो एक्चुअली फलक को नॉमिनेट किया, आके थोड़ी ना बोलती कि दीदी मैं ये बना दूं, आपकी हेल्प कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मैं वो ये सब चीजें नहीं करती। पर यहां पर पर्सनल ग्रजेस जो है वो निकाल रहा था फुकरा इंसान, इसीलिए जो है उसने बेबिका को जो है नॉमिनेट किया और इसके ऊपर जो है हामी भरती हुई कहीं ना कहीं मनीषा रानी भी नजर आई। हालांकि मनीषा रानी पूजा भट्ट के बुलाने पे ये सब चीजें नहीं कर रही है, वो पहले से ही उसका खुद का ओपिनियन है कि हाँ वहां पर वो रॉन्ग किया, पर मुझे इसमें लॉजिक कोई समझ में नहीं आया है कि आखिरकार क्यों रॉन्ग किया है। पहला मैंने पहले ही बोल दिया था कि बेबिका को अगर वो नॉमिनेट करेगा फुकरा इंसान तो उंगलियां उठेंगी और बेबिका भी उंगलियां उठाएगी, लोग भी उंगलियां उठाएंगे और ऐसी ही उंगलियां उठ रही है। पर जो भी डिसीजन मेरे हिसाब से फुकरा इंसान ने लिया भाई वो तो सही है। आपका क्या कहना है बताइए जरूरी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।